बाखैरियत होंगे। तो बच्चों, इससे पहले के सेशन में हमने यहाँ पर फ्रैक्शन समझा था, है याद होगा आपको, कसरों के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। और इससे पहले की जमातों में भी आपने कसरे आशारिया के बारे में पढ़ा है ना। तो आज के सेशन में बच्चों हम कसरे आशारिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे है? और साथ ही हम जो प्रैक्टिस सेट है 14 उसका यहाँ पर अदा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। जमात शशु में रियाजी मजमून में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कसरे आशारिया के बारे में। कसरे आशारिया में हम यहाँ पर खासतौर पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है, कि जो अशरी कसरे होती है उनकी जमा व तफरीक हम किस तरह से करते हैं उसे हम यहाँ पर समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको मजा आएगा इसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा है कि किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, लीटर के मुतालिक जो है तो मुख्तलिफ सवालात हल करते वक्त किस तरह से कसर आशारिया या अशरी कसरों की जमा व तफरीक की जाती है ना। तो हमने पिछले साल मेरे ख्याल से 3 मकाम तक है ना, 3 अशरी मकाम तक के अशरी कसर को किस तरह से जाहिर किया जाता है उसे हमने यहाँ पर समझा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि In solving problems with units gram, kilometer, meter, liter, millimeter, we have to express decimal fractions up to 3 decimal places. So this already we studied in last year. So just we are going to just click that all information. From that we can do better this exercise. So here's an example, 750 gram. 750 gram है जैसे यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, तो हमें मालूम है कि 750 gram एक किलो में हम देखते हैं कितने ग्राम होते हैं। तो हमें पता है 1000 ग्राम से जो है तो एक किलोग्राम बनता है ना, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 750 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, इस तरह से हमने लिखा है, ओके। सो जब हम इसे, आपको पता है इससे पहले हमने जब एग्जांपल्स इस तरह की सॉल्व की थी तो उसमें आपको पता होगा कि हमने आपको सिंपल एक तरीका बताया था कि किस तरह से हम अशरी मकाम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं 750 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, और अपॉन कितना है 1000 है, तो 1000 में हम कितना देख रहे हैं, 3 जीरो है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं आमतौर पर पॉइंट जब लगाते हैं तो जितने जीरो हैं उतने जीरो के बाद पॉइंट लगा देते हैं, ओके। इट इज वेरी सिंपल मैथड of doing decimal fraction या decimal places में हम जब zero लगाते हैं उस वक्त किस तरह से हम इस trick को use कर सकते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि 750 दिया हुआ है, 3 अदद है ऊपर है ना, और नीचे हम देख रहे हैं कि 3 0 है, हमें 3 0 के बाद में यानी कि 3 numbers के बाद
में हमें क्या कर लेना है, हमें पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो देखेंगे आप 0.750 केजी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। 750 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं केजी में, ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, ऐसे 0.750 केजी इस तरह से, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर मीटर की लेते हैं ना, किलोमीटर की, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 किलोमीटर 225 मीटर है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 225 मीटर, 2 किलोमीटर और 225 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि 1000 मीटर से क्या बनता है, 1 किलोमीटर बनता है, राइट, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर किस तरह से इसे लिखा है, 2 किलोमीटर प्लस 225 मीटर अपॉन 1000, ठीक है, मीटर इस तरह से। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट जब करते हैं इसे, तो अब यहाँ पर आप देखिए 225 आया है, ठीक है, और नीचे हम देख रहे हैं 3 जीरो है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले कहा है ना, हम इसे 0.225 इस तरह से लिखेंगे ना, 3 जीरो है, तो 3 नंबर के बाद हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया इस तरह से, ठीक है। तो 2 किलोमीटर जैसा है वैसा ही हमने लिखा, प्लस 0.225 मीटर हमने ले आए यहाँ पर, ठीक है। इस इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है 2.225 किलोमीटर इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों, काफी इजी प्रोसेस है, काफी आसान तरीका है, हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये मीटर पर मबनी एक एग्जाम्पल थी, अब हम यहाँ पर मेबी लीटर पर मबनी या लीटर पर मबनी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है 75 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब इसे हमें यहाँ पर देखना है किस तरह से हम इसे डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर, आपको पता है कि 1 लीटर जो है तो 1000 मिलीलीटर से बनता है, ओके। तो 75 ml अपॉन 1000 ml, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपल, जैसे हमने पहले आपको बताया, 3 आदाद के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 नहीं था पहले, है ना, यहाँ पर 2 ही आदाद है, लेकिन हमने यहाँ पर 0 लगाया है, है ना, 0.75 अपॉन 1000। अभी देखिए कितना 0 है, 3 जीरो, ऊपर नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट लिया हमने, ठीक है, पहले, फिर 3 नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं ऊपर के, है ना, 3 नंबर्स एज इट इज हमने लिखा है, और 3 नंबर्स के बाद हमने वहां पर पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो ये एक इजी मेथड है इसे समझने का, ठीक है। तो हम आसानी के साथ में जो है, तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यह हमने किया है पिछले साल। अब यहाँ पर आपको जो मैंने चीजें वर्बली बताई अभी, है ना, वर्बली हमने अभी यहाँ पर देखा, तो उसमें आपने शायद, हो सकता है कुछ बच्चे जिनकी मेमोरी अच्छी हो, या जिन्होंने पिछले जो हमारे लेसन थे उनको अच्छे से ऑब्जर्व किया था, तो वहां पर उन्हें समझने में दिक्कत नहीं हुई हो, लेकिन अगर दिक्कत हुई है तो ये टेबल से हम और भी आसानी से इसे समझ सकते। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है 378.025, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर, ठीक है। इस नंबर में, इस अदद में जो कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है 378.025 के हर हिंसे की मकामी कीमत जदुल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस नंबर को हमने किस तरह से इसे लिखा है, ठीक है। आपने आमतौर पर देखा है, आपको पता भी है कि आदात की जो मकामी कीमत है वो किस तरह से हम लिखते हैं,
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इकाई दहाई सैकड़ा ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ हम मजीद जो अभी यहाँ पर देख रहे हैं वो है दसवें, सौवें और हजारवें हिस्से के बारे में, यानी टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स के बारे में, ठीक है। तो मकामात आप देख सकते हैं, जो मकामात दिए गए हैं उन मकामात को ध्यान से देखना है। सैकड़ा दिया है, ठीक है, फिर दहाई है, इकाई है, दसवीं, सौवें और हजारवें, ये मकामात दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम सैकड़े को लिखते हैं, सैकड़े के मकाम को लिखते हैं, हंड्रेड का जो प्लेस वैल्यू है उसको हम जब लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, 100 इस तरह से, ठीक है, 100 है ना, राइट। हाँ, अगर हम दहाई को लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखते हैं हम, 10, है ना, इस तरह से लिखते हैं। इकाई को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 से 9 के आधार जो है तो इकाई में शामिल होते हैं ना, तो 1 से जाहिर करते हैं। अब दसवें मकाम को जब हम जाहिर करेंगे यहाँ पर तो किस तरह से जाहिर करेंगे, 1/10, 1/10, ओके, या 1/10, इस तरह से हम इसे यहाँ पर जाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर हम सौवें मकाम की बात करें तो 1/100 इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से थाउजेंड्स के बारे में बात करें, हजारवें मकाम के बारे में बात करें तो 1/1000 इस तरह से हम इसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके मकाम समझ में आ गए होंगे, इस तरह से मकाम हम मालूम करते हैं, जैसे है ना, दहाई का मकाम है, इकाई का मकाम है, दसवें, सौवें और हजारवें मकाम है, वो आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक हिंसा जो दिया हुआ है उस हिंसे को हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है, 3, 7, 8, 0, 2, 5, ठीक है, जैसा दिया हुआ है उसी तरह से हमने इसे यहाँ पर रख दिया है। जैसे आप देख रहे हैं द डिजिट इज ऑन इट प्लेस, 3 इज ऑन हंड्रेड्स, 7 इज ऑन टेंस, 8 इज ऑन यूनिट्स, ओके, 0 इज टेंस, देन 2 इज हंड्रेड्स, एंड देन 5 इज ऑन थाउजेंड्स प्लेस। नाउ वी आर सपोज टू mark out the place value. What is the place value is there? What is the place value for 3? So we are looking that 3 is on hundreds place value. So the place value of 3 will be 300, right? इसी तरह से हमें यहाँ पर बताना है कि अभी 7 जो है तो ये जो digit है वो कौन सी place पर है? So that is on tens, dahi ke makam par hai. So what is the place value for 7? 70. 70, good. So the place value for 7 will be 70. So what will be the place value for 8, which is on unit place? 8, right? इसी तरह से हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि दसवें मकाम को यहाँ पर बताया गया है, ये जो दसवां मकाम है उसे हम देख रहे हैं कि 0/10, तो मीन 0/10 इस तरह से बताया है इसे, ठीक है। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं दसवें मकाम में तो इस तरह से, अब यहाँ पर 0 है इसलिए 0/10 हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 होता तो, अगर डिजिट 5 होता तो 5/10, ओके, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं सवे मकाम का मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू फॉर दिस 2? 2/100, 2/100 बराबर है ना। सो 2/100 इट मीन्स 0.02, राइट। हमने अभी देखा है ना 0.02, बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 100, मीन्स 20 है, ओके। तो 2 डिजिट के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया है, डेसिमल पॉइंट प्लेस किया है, ओके, इस तरह से,
In last example, you're supposed to observe that. कि यहाँ पर दिया हुआ है one upon thousand, ठीक है? One upon thousand. So the digit five is there. So what is the place value of five? So that will be five upon thousand. ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर कि पांच बटे हजार, पांच बटे हजार. हजार क्या है तो बटे में आ गया तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन डिजिट होते हैं तीन जीरो होते हैं ना इसमें थाउजेंड में तो हमने यहाँ पर क्या किया है जीरो के बाद में डेसिमल पॉइंट को प्लेस किया है ना तो 0.005 विल बी द आंसर फॉर दिस वन ओके ठीक है तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों कुछ जमा और तफरीक के सवाल देखते हैं ये हम इसका स्क्रीन शॉट लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर टू में हम यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है यहाँ पर हमें यहाँ पर एडिशन करना है ठीक है यहाँ पर क्या दिया है 905.5 प्लस 27.197 ठीक है जो आचार्य के बाद के नंबर्स होते हैं उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं हाउ वी आर सपोज टू रीड द नंबर विच आर दसवा सैकड़ा हजारवा हाँ लेकिन जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम तो किस तरह से पढ़ेंगे जैसे मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगा 21.197 इस तरह से पढ़ूंगा मैं इसे नहीं सर 197 आचार्य का बाद वाला नंबर 1 9 7 हाँ अलग अलग पढ़ते हैं ना ये याद रखने से अलग अलग पढ़ते हैं हाँ तो हमने देखा है कि काफी होशियार बच्चे भी है ना ये बात भूल जाते हैं कि हमने जो है तो आचार्य के बाद के जो आदाद हैं उन्हें हमें किस तरह से पढ़ना है अलग अलग पढ़ना है यहाँ पर अक्सर देखते हैं बच्चों को कैसे किस तरह से पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे 21.197 जो कि गलत है इसे हमें पढ़ना है 221.197 इस तरह से हमें इसे पढ़ना है ठीक है yes. तो अभी हमें यहाँ पर एडिशन करना है यहाँ पर एडिशन में बच्चों सबसे ज्यादा एडिशन तो आपको आता है ना लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डेसिमल पॉइंट जहाँ पर है डेसिमल पॉइंट के नीचे ही हमें दूसरा नंबर भी एड करना है ओके यहाँ पर हमें ये बात को ध्यान में रखना है ठीक है ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स तो फर्स्ट चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस ठीक है अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एडिशन किया है यहाँ पर तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर मजीद एक पॉइंट समझने की जरूरत है जो हमने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शन जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं 905.5 लिखा हुआ है ना राइट अब यहाँ पर अगर दूसरे नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 21.197 ठीक है तो अब यहाँ पर जो मकाम अगर हम एडिशन में लेते हैं अब अगर हम यहाँ पर इसे लिखते हैं इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें उसे किस तरह से लिखना होगा उसे हमें लिखना होगा 905.500 हमें करना होगा क्यों क्योंकि हम देख रहे हैं 21.197 यानी कि दूसरा नंबर जो एडिशन करना है हमें उस नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद में तीन नंबर दिए हुए है ना तो हमारी गलती नहीं होगी ठीक है अब हम आसानी इसको एडिशन कर पाएंगे अब इस तरह से हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल में भी देख रहे हैं यहाँ पे भी 39 प्लस 700.65 दिया हुआ है तो हमने इसे भी यहाँ पर क्या किया है 700.65 दो डिजिट दिया हुआ है तो हमने पॉइंट के बाद में क्या किया ठीक है तो फर्स्ट चेंज डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन
ये काम हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम ये नंबर्स को यहाँ पर एज इट इज इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, इसका एडिशन करना है, ठीक है। चलिए करिए, अभी बोलिए। ग्यारह कैसे होगा, सात, सेवन ही होगा, सात, सेवन, देन नौ, नाइन, आउट लगाना है, लगाना है। ओके गुड, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस तरह से ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, 962 आएगा, 2 आएगा, राइट, 926.697 है ना। थोड़े से हमारी मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 926.697 इस तरह से ये आंसर होगा, है ना। तो इजी है, ये कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। चलिए अब इसके बाद में हम ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 39.00 में हमें एडिशन करना है 700.65 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इस तरह से, लेकिन जो जब हम इसे रख रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें कि बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें पॉइंट के बाद वाले नंबर्स का एडिशन और पॉइंट के पहले वाले नंबर्स का एडिशन करने में हमें इजी होता है। चलिए इसका एडिशन कीजिए, 5, 5, 6, 9, 3, 7, 9, 3, 7. ओके, सो जैसे आपने पढ़ा है अभी, आपने बताया आंसर सेम, हमने आंसर सही है सर, 739.65, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों हम बहुत आसानी से इस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और 26 करना है ना, 926 कर लेना है, ले लीजिए, 926 करना है उसे। ओके, यहाँ पर अब एक सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर तफरीक करना है, यहाँ पर दिया हुआ है 85.96 - 2.345। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 632.24 - 97.45, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट बराबर है क्या, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स बराबर है नहीं। तो अभी क्या करेंगे आप, जीरो लगाएंगे, कहाँ जीरो लगाएंगे, सिक्स के बाजू में। वेरी गुड, आपका नाम बताएं, हिदायत, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिए हिदायत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 85.960, जैसे आपने कहा, देखिए 96 के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर जीरो लगा दिया, ओके। अब हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है, कौन सा नंबर है, पहले सर लगेगा जीरो, हाँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो सब्सट्रैक्शन करना है जिस नंबर का, वो नंबर है 2.345, ठीक है, हाँ। चलिए आप सब्सट्रैक्शन करिए इसे, सिंपली जैसे आप सब्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपल वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, जीरो में से पांच नहीं जाते तो बाजू में से लेंगे, हाँ, तो बन जाएगा दस, हाँ, दस से पांच, और छह में से बचे पांच, पांच में से चार बचे, नौ में से तीन, छह पांच से दो, तीन, आठ का आठ। वेरी गुड, बहुत क्विकली आंसर किया आपने। और पॉइंट कहाँ पर लगेगा, जैसे में पॉइंट कहाँ लगेगा, सेवन के बाजू में, ओके।
चलिए देखिए जैसे आपने कहा है 83 ना 83.615 ठीक है, इसका जब हम सबट्रैक्शन करेंगे जैसे आपने कहा वैसा ही हमने सिमिलर वैसे ही सबट्रैक्ट करना है, इसे सिर्फ पॉइंट को ध्यान में रखना है ठीक है, बाकी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर्स दो दो हैं दोनों तरफ है ना, यानी कि हम जो दोनों क्वेश्चंस देख रहे हैं दोनों नंबर्स जो सब्सट्रैक्ट करना है उनमें सिमिलर प्लेस वैल्यू मौजूद है ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए इसे क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं ठीक है, क्या आंसर आएगा चलिए बताइए कोशिश कीजिए। 1 2 पॉइंट का पहला नंबर ले उसको सब्सट्रैक्ट करें, 4 में से 5 माइनस होता है क्या? नहीं सर। क्या करेंगे? नहीं सर, बाजू से एक लेंगे। कितना हो गया? 14। हाँ, 14 में से 5 तफरीक करें तो कितना बचेगा? 8। 5 गया तो दोबारा करिए, 9 बचेगा ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर बाजू वाला नंबर एक ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है तो 1 सब्सट्रैक्ट होता है क्या 4 में से? 11 नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, हमने बाजू से एक नंबर ले लिया तो कितना हुआ अभी? 11 हाँ ठीक है, 11 में से आप 4 तफरीक करिए कितना बचा है? 7 9 7 है ना 7। तो अब सेम प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमें कर देना है, इसकी जो डेसिमल पॉइंट है उसे हमें यहाँ पर रख देना है ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जैसे नंबर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं सिमिलर वैसे ही तरीके से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है, तो देखिए आप बहुत सिंपल तरीका है ये और बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए सर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एडिशन का और एक सब्सट्रैक्शन का ये दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इबारती सवाल ले लेते हैं ठीक है एक्सरसाइज से। सवाल पढ़िए, चलिए सवाल पढ़िए बताइए। राहिल ने 42 तो सवाल देखते थे यहाँ पर। हाँ बोलिए चलिए। राहिल ने 42 किलोमीटर 365 मीटर का सफर बस से 12 किलोमीटर 460 मीटर का सफर मोटर से और 640 मीटर का सफर पैदल किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर का सफर किया? गुड, वेरी गुड। राहिल ट्रेवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक्ड 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल टुगेदर? ठीक है, एंड राइट योर आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि इसने राहिल ने जो सफर तय किया है अलग अलग तरीके से वो कुल कितना सफर उसने तय किया है यहाँ पर ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने जो यहाँ पर सफर तय किया है उस सफर को हम डेसिमल पॉइंट में लिख देते हैं सबसे पहले है ना, जैसे 42 किलोमीटर एंड 365 मीटर एंड 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर देन 640 मीटर। सो इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पर तो 42.365 मीटर देन 12.46 मीटर देन 0.640 मीटर किलोमीटर है ना, तो इस तरह से हमने इसे डेसिमल फ्रैक्शन के तरीके से हमने इसे यहाँ पर लिख दिया है ठीक है। अब हम इजीली इसका एडिशन कर सकते हैं ना, 42.365 देन 12.46 देन 0.640
40 kilometers ठीक है by walk so by bus by car and by walk these all three type of travel is on your screen now we are supposed to do the addition of these three numbers okay ab iska addition hame karna hoga theek hai kar sakte hain simply 5 ka 5 milega hai na then 6 plus 6 12 plus 6 kitna ho jayega 16 ka 6 hum yahan pe likhenge 1 will be carry over theek hai to 4 plus 4 14 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
किलोमीटर ओके आइल ने जाए तो कुल 55.465 किलोमीटर का सफर जो है तो उसने तय किया। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब इसका मिलता है। ठीक है, राइल ट्रेवल्ड टुगेदर 55.46 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप देखिए काफी आसान है, हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, कौन पढ़ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन? सर मैं। हाँ पढ़िए। आयशा ने सवाल के लिए एक आशारिया 80 मीटर कुर्ते के लिए 2.25 मीटर कपड़ा खरीदा, कपड़े का नर्क 120 रुपया फी मीटर हो तो वो का वो दुकानदार को कपड़े के लिए कितने रुपया अदा करेगी? ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं उसने जो टोटल कपड़ा खरीदा है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। शलवार के लिए उसने 1.8 किलोमीटर ये सॉरी मीटर कपड़ा जो है तो शलवार के लिए खरीदा है और 2.25 मीटर कपड़ा जो है तो कुर्ते के लिए खरीदा है। अब इसका एडिशन हम यहाँ पर कर देते हैं तो एडिशन हमें मिलेगा तो कुल कपड़ा उसने कितना खरीदा है यहाँ पर वो हमें। ठीक है, कितना खरीदा है उसने? 4.05 हाँ मीटर कपड़ा उसने कुल खरीदा है, ये हमें मालूम हो गया है। ठीक है, अब एक मीटर कपड़े की कीमत जो है तो 120 रुपये है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पता है, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर जो है तो 4.05 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम जैसे हम नॉर्मल करते हैं मल्टीप्लीकेशन वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर वक्त कम है इसलिए हम क्विकली चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो से यहाँ पर जरब करेंगे। ठीक है, जरब का मतलब आपको आता है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर की आंसर हमें इस तरह से मिलेगा 486.00 486.00। ठीक है, इस तरह से तो आप देखते हैं यहाँ पर इसे हमें यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज 120 मीटर सो द कॉस्ट ऑफ 4.0 मीटर ऑफ क्लोथ विल बी 120 × 4.05 सो व्हाट विल बी द आंसर 486। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि आयशा दुकानदार को जो है तो 486 रुपए अदा करेगी। ठीक है, कितने रुपए अदा करना पड़ेगा उसे? 486। हाँ, आयशा पेज 486 टू द शॉपकीपर इस तरह से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लिए सर। ओके गुड, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अजीजा बाजार से 4.25 किलोमीटर वजन का तरबूज लाई, इसमें से इसने 1 किलोग्राम 7
750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दिया तो इसके पास कितने किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें यह करना है कि 4.25 किलोग्राम तरबूज में से अजीजा ने 1.1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम जो है तो दे दिया है ना, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए कितना तरबूज बाकी रहा हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हेलो यस सर, हाँ तो देखेंगे आपने यहाँ पर कि जो सवाल हमारा आखिरी था उस सवाल में हमने देखा कि किस तरह से जो है तो यहाँ पर अमल कौन सा होगा ये बताइए, जमा का होगा कि तफरीक का होगा, तफरीक का, तफरीक का अमल होगा, क्यों तफरीक होगा बताइए, क्यों तफरीक होगा, क्यों तफरीक का अमल होगा यहाँ पर बताइए, दिया है ना तो दे दिया है, मतलब कुल जितना लाया था उसमें से उसने दे दिया है ना, टू फाइंड हाउ मच केजी ऑफ वाटरमेलन इज लेफ्ट विद विद हर, हैव टू सब्सट्रैक्ट द फ्रॉम 4.25 किलोग्राम। सो यहाँ पर हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 4.250 में से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आंसर हमें किस तरह से मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर आंसर हमें इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर हम क्विकली चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का मार्क आना चाहिए, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट हमने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.500 किलोग्राम यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 केजी जो है तो अजीजा के पास तरबूज बाकी रहेगा इस तरह से, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने तौर पे, ठीक है। इसके बाद का एक सवाल है रेहाना, कार से जो है तो 85.6 किलोमीटर का उसने अलग अलग तरीके से सफर तय किया है ना, तो वो सवाल आपको अपने तौर पे खुद से हल करना है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है तो उसे इस सवाल को देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस सवाल का, और आप अपने तौर पर इसे हल कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने स्क्रीन पर पूरा सॉल्व क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिए, गुड, वेरी गुड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो डेसिमल फ्रैक्शन आपको बताया है यहाँ पर, जो हमने प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व किया है, या आपने जरूर से समझा होगा, ठीक है। सेशन के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी तो दूसरा सेशन है, लेकिन 10 बजे के बाद आपको इन तमाम सवालात की जो सवालात हमने अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं, इन्हें आपको अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आए, और पॉइंट देना आप ना भूले, बराबर पॉइंट के नीचे पॉइंट वाले जो हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन जहाँ पर दिया हुआ है, फ्रैक्शन का पॉइंट जहाँ पर दिया हुआ है उस पॉइंट को आप वहीं पर बराबर प्लेस करेंगे, बराबर वहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जवाब जो है तो बराबर मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, ठीक है। और जो एक बात और हमने सीखी है इसके अंदर कि जैसे अगर कोई नंबर है जिसमें आशारिया की अलामत के बाद में, आशारिया की पॉइंट के बाद में, जैसे हम देख रहे हैं कि तीन अगर आधार दिए गए, अगर कोई अदद है जिसमें सिर्फ आशारिया के बाद दो ही अदद दिए हुए या एक ही अदद दिया हुआ है, या बाज़ औक़ात ना भी दिया हुआ हो, तो हमें अगर तीन आदाद वाले
कोई नंबर इसमें एडिशन करना है तो वहां पर क्या करना होगा, तीन जीरो लगा देना, दो जीरो लगा देना होगा या एक जीरो, ठीक है, तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी, ठीक है। और जब आपके पास परफेक्शन आ जाएगा तो फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी ये सब चीजों पर ध्यान देने की, फिर आप डायरेक्टली उसे एडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर से इस एक्सरसाइज को समझा होगा, मजीद आप इसकी प्रैक्टिस करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।